नंदू जी ध्यान से आप चलिए। अब मेरे खिलाफ सिर्फ एक ही सबूत है, वो जो करण के पास है। बस वो भी मेरे हाथ लग जाएगा, फिर मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। खाना खा ले, काफी देर हो गई। हाँ खा लेते हैं। थैंक्स। थैंक्स किस चीज के लिए? तुमने सानिया का इतना अच्छा ख्याल जो रखा। मैंने तो वही किया जो एक अच्छे और एक सच्चे दोस्त को करना चाहिए। और फिर दोस्ती कैसे निभाते हैं ये तो अब मैंने तुम्ही से सीखा है। तुम दोनों तो कुछ खा ही नहीं रहे। मुझे लगता है कि मुझे अपने हाथों से तुम दोनों को खिलाना पड़ेगा। बेचारी सानिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो सॉरी। कोई बात सॉरी, मैं चेंज कर लेता हूँ।
हाँ जी विमल प्रसाद जी, मैंने बस तुम्हें सावधान करने के लिए फोन किया है। क्या ना संस्कार, तुम और मैं दोनों ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं माथुर अंकल की मौत के जिम्मेदार तुम हो, और अब मामला पुलिस के पास है तो तुम्हें अब होशियार रहना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। ऐसे कोई भी सबूत हो जो तुम्हारे और आभा के रिश्ते के बारे में बताते हो, उन्हें तुम्हें खत्म करना होगा। सारे सबूत मैंने बर्बाद कर दिए, अब सिर्फ एक ही सबूत रह गया है, वो भी मैं बहुत जल्द मिटा दूंगा। ऑल द बेस्ट। लता बेटा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बहना भी गई है मंदिर तुम्हारे लिए पूजा करने। कैसे न करे बेचारी चिंता, एक तो ऐसी हालत है और ऊपर से परसों पेशी है उसकी कोर्ट में। भगवान ही जाने क्या होने वाला है। कुछ गलत नहीं होगा ठाकुर साहब। पूरी तैयारी कर ली है ठाकुर साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, सुनवाई से पहले पहुंच जाऊंगा। आप शहर से बाहर जा रहे हैं? हम आपसे विनती करते हैं कि ऐसे समय में हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज। जब उसे मेरी जरूरत थी तब तो मैं वहां नहीं पहुंच पाया, दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहता हूं ठाकुर साहब, समय से पहले पहुंच जाऊंगा। किस गलती की बात कर रहे हैं आप? मेरा बहुत अच्छा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा ठाकुर साहब, कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसकी एक ही बेटी है सानिया, को तो आप जानते ही हैं। आभा और करण उसके साथ हैं लेकिन कोई बड़ा नहीं है उसके साथ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहां चला जाऊं। समय से पहले पहुंच जाऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, परसों कोर्ट में मिलते हैं ठाकुर साहब। नमस्ते। नमस्ते। ठाकुर साहब आपने वकील साहब से सहानुभूति जताकर बहुत अच्छा किया। इंसानियत के नाते इतना फर्ज तो हर इंसान का बनता है। इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था, वो कल आएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए।
मुझे लगता है कि उनके आने से पहले हमें एक बार अंकल की फाइल ठीक से देख लेनी चाहिए। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो डेथ सर्टिफिकेट के बाकी सब पेपर्स। मेरे रूम में जो कबर्ड है उसके राइट साइड वाले ड्रॉर में सारे पेपर्स पड़े, मैं देख के आता। मेरे खिलाफ वो आखिरी सबूत अब मेरे पास होगा। इसी में तो था वो लेटर, गया कहां? क्या कर रहे हो? फाइल, वो फाइल ढूंढ रहा था अंकल वाली, यहाँ पे। मैंने तुमसे कहा था कि वो कबर्ड के राइट साइड वाले ड्रॉर में है। ओह यार, मेरा ना दिमाग काम करना बंद हो गया। मुझे लगा कि बेड के राइट साइड वाले ड्रॉर में, वहां मिली नहीं। मुझे लगा शायद नीचे गिर गई हो। ये लो, और इतना घबराओ मत, सारे पेपर्स हैं। अच्छा। अंकल का डेथ सर्टिफिकेट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, राइट, पेपर्स सारे हैं। करण, वो पेपर या वो लेटर जो डॉक्टर ने दिया था? हाँ हाँ, वो मैंने अपने वॉलेट में रख ली, पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अच्छा, तुमने याद दिला दिया, अभी पढ़ लेता हूँ। दादी का फोन है, आपसे बात करना चाहती हैं। ये लेटर इन पेपर्स के साथ संभाल देना, अब इम्पोर्टेंट है। अब वो सानिया बाहर अकेली होगी तो हमें उसके पास नहीं बैठना चाहिए। दो ये फाइल हमें दे दो, हम अलमारी में रख देते हैं। अब ये ड्रॉअर में रख दो। ठीक है। चलें? चलो। मैं मातरों के घर पहुंच गया हूं। हाँ, मैं देख लूंगा, अभी केस मेरे हाथ में है। ओके। सानिया जी कहाँ हैं? सानिया बिटिया छत पे हैं। घर के सब लोगों को छत पे भेजो। जी। सानिया जी, आपके फादर की किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा इतने अच्छे इंसान थे,
के दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लो। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के देखिए, एक्सीडेंट से पहले वो कुछ परेशान तो नहीं थे? मेरा मतलब है उनके व्यवहार में कोई चेंज देखा, बदलाव? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात अच्छे से याद है। एक्सीडेंट से पहले पापा का मुझे फोन आया था, वो मुझे कुछ बताना चाहते थे। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, शायद अगर मैं उनकी बात सुन लेती। सानिया, एक मिनट मैडम, ये भी तो पॉसिबल है कि गाड़ी का ब्रेक फेल करने वाला फैमिली का भी तो कोई आदमी हो सकता है मिस्टर करण। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अरे हाँ, वो पेपर कहाँ है जो डॉक्टर ने आपको दिया था? जी वो मेरे पास है। अब वो फाइल लेके आना। हाँ। थोड़ा जल्दी करिएगा। भाई, इसमें वो लेटर कहाँ है जो मरते वक्त मिस्टर माथुर के हाथ में था? वो तो नहीं है इसमें। सारे पेपर इसी में है सर, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, शायद आपको मिल जाए। अब वो लेटर इसी में रखा था ना? हाँ करण, हमने इसी में रखा था, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। सर, आभा ने पेपर खुद इसमें रखा है और कल से इस फाइल को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। फिर कहाँ चले गए पेपर? आप आभा पे शक कर रहे हैं। शक करना मेरा काम है मिस्टर करण। देखिए सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है वो पेपर कहीं गुम हो गया। जी चलिए, मान लेता हूँ कि आपकी बीवी ने उस लेटर को जानबूझ कर गायब कर दिया। सर सानिया जी, मिस्टर माथुर का इनके साथ क्या संबंध था? मेरे पापा और अंकल बचपन के दोस्त रह चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप हमारी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। आप मान लेते हैं कि वो लेटर रात में कहीं गुम हो गया, कहीं गिर गया, लेकिन सानिया जी, आपके घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी ना किसी को तो रात में या सुबह झाड़ू लगाते वक्त वो लेटर मिला होगा। Can I talk to them? Thank you. एक बात बताइए, रात से लेकर सुबह तक में आपको कोई कागज, कोई लेटर मिला है इस घर में? नहीं साहब। लेकिन साहब, करम बाबू इस परिवार को वर्षों से जानते हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे बिटिया के, और इनकी तो शादी होने वाली थी सानिया बिटिया के साथ। क्या अजीब इत्तेफाक, पहले ब्रेक का फेल होना, फिर दो बेस्ट फ्रेंड्स की शादी का टूटना, फिर अलमारी से वो लेटर का अचानक से गायब हो जाना। तो ज्यादा ही इत्तेफाक नहीं हो रहा है मिस्टर करण? ये आप क्या कह रहे हैं, हम ये सब क्यों करेंगे? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ आबा जी। सानिया जी, एक बात बताइए, मेरी जेब में रखा ये लेटर केम का पासा ही पलट देगा?
ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। तानिया, आराम से सोच कर बताओ, इन लोगों में सबसे ज्यादा शक किस पर है तुम्हें? सर बस कीजिए, इस तरह परिवार वालों पे शक करने का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर साहब, आप हम सबकी तलाशी ले लीजिए।